जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रविवार को हैमिल्टन में दूसरा वनडे बारिश में धुलने के बाद अब क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा। तीसरा और अंतिम ओडीआई के लिए भारतीय टीम भी क्राइस्टचर्च पहुंच गई है। अभी फिलहाल न्यूजीलैंड सीरीज में 1-0 से आगे है। इसका मतलब है कि ऑकलैंड में शुरुआती मैच में 7 विकेट से हारने के बाद टीम इंडिया के पास सीरीज दांव पर लगी है। टीम इंडिया को पुख्ता तैयारी की ज़रूरत है। रिकॉर्ड के लिहाज से बताते हैं कि भारत ने क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में एक दिवसीय मैच नहीं खेला है। बुधवार को भारत पहली बार इस आयोजन स्तर पर खेलेगा, जो सीरीज को बराबर करने के लिए देख रहा है। दूसरी छोर न्यूजीलैंड का आयोजन स्थल पर एक ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। तो चलिए अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट की, लेकिन उससे पहले अगर आप भारतीय टीम के फैन हैं तो दिल से कर दें एक लाइक। चलिए देखते हैं पिच रिपोर्ट। यहाँ पे टोटल 22 मैच खेले गए हैं, जिसमें से जिसने पहले बार बल्लेबाजी करी है वो 11 बार जीता है, और जिसने दूसरी बार बल्लेबाजी करी है मतलब चेस किया वो भी 11 बार जीता है। यहाँ पे अगर एवरेज स्कोर की बात करें तो 247 बना है, और वहीं अगर जो चेस करने पे एवरेज स्कोर की बात करें तो 197 बना है। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे एवरेज स्कोर 247 है। इसका मतलब ये पिच बॉलिंग पिच है, यहाँ पर बॉलिंग को ज़्यादा मदद है। अगर इंडिया टीम पहले बैटिंग करके यहाँ 270 प्लस या 260 प्लस कर देती है तो उसके लिए जीतने के लिए आसानी होगी, और इंडिया टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो न्यूजीलैंड को 250-240 के अंदर रोक ले तो भारतीय टीम आसानी से थर्ड ओडीआई जीत के ये सीरीज बराबर कर लेगी। यहाँ हाईएस्ट स्कोर 356 बना है, और वहीं लोवेस्ट की बात करें तो 99 बना है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चेज हुआ है यहाँ पे हाईएस्ट 275 रन, मतलब 275 रन से ज़्यादा चेज यहाँ पे हो नहीं पाया। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि 270 के ऊपर, वही जो मैंने बताया था कि 270 के ऊपर यहाँ पे अच्छा स्कोर होगा अगर इंडिया टीम पहले बैटिंग करके 270 रन का टारगेट देती है। अब हम आपको एक चौंकाने वाला रिकॉर्ड बताते हैं। यहाँ पे न्यूजीलैंड 11 मैच खेली है और 11 में से 10 जीती है, मतलब 11 में से 10 जीती है, बस एक ही हारी है। ये न्यूजीलैंड का यहाँ बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।